अधिकतर किसान साथियों ने मैसी फर्गुसन का 244 DI अच्छे से प्रयोग किया है और यूज़ भी किया है, लेकिन हम आपको आज इसी का एक अपग्रेड जो अभी मैसी ने किया है 244 DI डायनाट्रैक, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे नवीन जी और कृष्णकांत त्यागी जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको मैसी के 244 DI डायनाट्रैक फोर व्हील ड्राइव के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आपको सबसे पहले एक ये लंबा चौड़ा ग्रिल, जिससे कि हवा का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा इंजन पे जाए, जिससे कि इंजन अच्छी तरह से कूल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करेगा ट्रैक्टर। इसमें कंपनी ने नया लुक डिज़ाइन करके ये 65 KGF का कंपनी ब्रेड बम्पर लगाया गया है। साथ ही इसका जो करारू का एक्सल है, जो कि करारू हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड की नंबर वन एक्सल मेकिंग कंपनी है। साथ ही साथ डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिए गए हैं सिलेंडर, जो कि दोनों तरफ बराबर कटाव, जिससे कि कम लोड पड़ता है, ज़्यादातर ट्रैक्टरों में सिंगल ही होते हैं। हम इस ट्रैक्टर के ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो बाकी ट्रैक्टरों की अपेक्षा हमें ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। 385 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया रहा है, 385 mm, जो कि काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस है। कोई ऊंची मेड़ है, ढलान है, जिसमें हमें ट्रैक्टर टकराने की, रुकने की कोई शिकायत नहीं आएगी। इस ट्रैक्टर में 44 HP का सिम्पसन सुपर टॉर्क 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि आपको 44 HP रेडी में सबसे सर्वोत्तम है। इसमें डीजल की किफ़ायत है, साथ ही साथ इसमें माइक्रो पंप दिया गया है बॉस कंपनी का, बॉस माइक्रो एक ही बात है, और सेफ्टी फीचर भी ध्यान में रखे गए हैं। इसमें ये साइड से कवर्ड कर दिया गया है, जिससे कि कोई किसी को एक्सीडेंटली कोई उंगली या लकड़ी वकड़ी जाने पर कोई नुकसान ना हो। ये 3-stage फ्यूल फिल्टर दिया गया है, इसी में प्राइमरी है आपका सेकेंडरी, जो कि दो डीजल फिल्टर को मिक्स करके बनाया गया है। साथ ही इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो वाटर सेपरेटर है। साथ ही साथ इसमें लंबा चौड़ा बढ़िया आरामदायक प्लेटफॉर्म है, कुछ टाइप पैडल दिए गए हैं, जो कि ऑपरेटर को चलाने में, ऑपरेट करने में आराम देते हैं। हमें इसमें 4 गियर स्पीड मिलती हैं, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। भाई साहब, अगर हम इसकी क्लच की बात करें, डुअल डायफ्राम क्लच मिलती है। अगर हम यहाँ तक कुछ करेंगे, सिंगल क्लच है, अब डुअल क्लच है, जो कि हमें PTO को चलाने में काफ़ी हेल्प करती है। इसमें तीन रेंज दी गई हैं, लो, मीडियम, हाई, साथ ही साथ चार गियर हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसमें 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स स्पीड मिलेंगी। ये सुपर सटल गियर है, जिसे आप आगे करेंगे तो ये ट्रैक्टर आगे जाएगा, चाहे किसी भी स्पीड में हो। मान लो दूसरे का लो है, तो दूसरे के लो में इसे फॉरवर्ड करने पर आगे जाएगा, इसे बैक करेंगे तो ये रिवर्स जाएगा, तो 12 ही स्पीड फॉरवर्ड मिलेंगी, 12 ही रिवर्स मिलेंगी। छोड़ा आरामदायक प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ एडजस्टेबल सीट है। अब आते हैं जो कि ट्रैक्टर का मेन पार्ट होता है, जैसे इंजन, गियर बक्सा, तीसरा होता है सबसे मेन हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि मैसी विश्व में नंबर वन कंपनी है, और इसमें तो मैसी ने इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रखी है, जो कि 2050 KGF या 20.5 क्विंटल बोल के सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप इससे कोई भी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर, लेबलर, प्लाउ, जो भी हैवी इम्प्लीमेंट है जिसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, जो कि अन्य ब्रांड में आपको कोई 55+ HP का ट्रैक्टर लेना पड़ सकता है। इसमें ये 44 HP में आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। ये 241 डायनाट्रैक भी आता है, उसमें भी है, 241 में भी डायनाट्रैक है और 244 भी है, 46 भी है, 54, तीनों की लिफ्टिंग कैपेसिटी 250 जी जी। साथ ही साथ इसमें जो लिफ्ट कंट्रोल के जो लीवर हैं, वो भी ड्राइवर के पूरे कंट्रोल में ही है, जिससे कि उसे कहीं टटोलना ना पड़े, झुकना ना पड़े। किसान भाइयों, अब तक आपने देखे होंगे कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में जो नीचे से क्रॉस शाफ्ट लगाते हैं, वो आपके चैम्बर या चेसिस से नीचे लटकती है। इस ट्रैक्टर में कंपनी ने स्पेशली किसी तरह की दुर्घटना या खतरे को ध्यान में रखते हुए चैम्बर के अंदर कटिंग का डिज़ाइन बना के उसे अंदर शिफ्ट किया है, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमारा 385 इस शाफ्ट से भी है, जिससे कि दुर्घटना के चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ इसका जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी है, 2040 mm का है, जिससे कि ट्रैक्टर की लंबाई और उठने की जो शिकायतें हैं वो ख़त्म होती हैं। आप हॉलेज में चलाएं या किसी अन्य बड़े इम्प्लीमेंट पर चलाएं, ट्रैक्टर के बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यदि हम इस ट्रैक्टर के टायर की बात करें तो इसमें हमें 13/6/28 के टायर मिल जाते हैं, जिसमें हमें 25 kg 1 set कंपनी फिटेड वेट मिलता है। बाकी हैवी एडजस्टेबल हैवी रिमें टायर 13/6/28 होने के कारण हमें इसमें
ट्रैक्टर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप आलू बोने वाले किसान हो तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ज़्यादा बड़े टायर से आलू की खुदाई और बवाई नहीं की जा सकती।